हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म की थी। आज एक्सरसाइज 3, जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं कोई सम उसमें बाकी नहीं। लास्ट वाला सम मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एक्सरसाइज 3 में सम नंबर 1, अभी मोस्ट ऑफ लास्ट 2-3 सम को छोड़ पे सभी पुरानी मेथड ही है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नया कुछ नहीं आएगा, वही चीज़ को बार बार आपको रोटेट करना है। तो प्रूव दैट है, हमें RHS में तो 0 लाना है, तो पहले LHS लिख देते हैं। तो LHS क्या है, तो 2 cos π/13 into cos 9π/13 +cos 3π/13 +cos 5π/13 ओके इज इक्वल टू 0 लाना है। क्या लाना है, इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी ऐसे सम हम आगे कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट हमें उसको अच्छी तरह से डिलीवर करना है और आंसर लाना है। तो आपको मैंने दो तरह के इक्वेशन सिखाए थे, साइन प्लस साइन तो 2 sin cos, साइन माइनस साइन तो 2 cos sin, ऐसे इक्वेशन 4 थे। साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, उसके उल्टे भी थे। जैसे ऐसे कभी 2 cos cos हो तो क्या लिख सकते हैं, तो कॉस प्लस कॉस, पर उसमें इतना फर्क है डिवाइड बाई 2 नहीं करने का, ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में 2 है, जो लास्ट के 4 थे जो उल्टे लिखवाए थे। तो 2 cos cos का इक्वेशन ऐसा बनेगा, cos दोनों का सम 9π/13 +π/13, 2 cos + cos, 2 तो नहीं लिखना है, 9π/13 -π/13, बाकी दो वैसे के वैसे, cos 3π/13 +cos 5π/13, आ गया समझ में। चलो आगे एक्सप्लेन करो, तो cos 9π/13 +π/13, तो LCM 13 ले ले, तो 9 + π दैट मीन्स 10π, +cos इधर भी LCM 13 ले ले, तो 9π - π तो 8π, +cos 3π/13 +cos 5π/13, चलो चारों के चारों ऐसे एंगल आए कि जिसमें से हम एक की भी वैल्यू नहीं जानते। ओके, कोई भी नॉन एंगल नहीं है, तो उसको मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल चेंज करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा कि सेम आए या तो नॉन वैल्यू आए। तो देखो 10π/13 में ऐसा लिख सकता हूँ कॉस, ओके देखना, 13π - 3π, नीचे का 13 इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। क्यों मैंने 3 को सेपरेट किया, क्योंकि फ्यूचर में 3π है, फ्यूचर में 5π है। तो यहाँ पे देखो +cos 5 लाना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, 13π - 5π (÷13)/13, क्योंकि 13 में से 5 जाएगा तो अल्टीमेटली 8 ही बचेगा। और 13 का ही रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि नीचे 13 है, इसीलिए हमारा राउंड ऑफ कुछ वैल्यूएशन बने। तो कॉस 13 कैंसिल, तो π - 3π/13, ओके ये लास्ट वाले दो रह गए, cos 3π/13 cos 5π/13, सेम थिंग cos 13 कैंसिल, तो π - 5π/13 +cos 3π/13 +cos 5π/13, क्लियर। चलो पाई माइनस, तो यूनिट सर्कल 0π/2π नहीं, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या, माइनस, पाई है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, पर आंसर माइनस आएगा, लास्ट में 3π/13 है। सेम थिंग इधर भी सेकंड क्वाड्रेंट, आंसर माइनस में आएगा, लास्ट में 5π/13 है। ये प्लस है बेटा cos 3π/13, ये भी प्लस है cos 5π/13,
फाइव पाई बाई फाइव पाई बाई कैंसल, थ्री पाई थ्री पाई कैंसल, तो इज इक्वल टू जीरो, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, समझ में आ गया। नाउ नंबर टू, व्हाट इज एल एच एस? नंबर टू में एल एच एस क्या है? तो नंबर टू में एल एच एस है, उसमें भी जीरो ही लाना है, साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा है, साइन ब्रैकेट में है 3x प्लस साइन x, साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x तो है, प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, चलो इज इक्वल टू जीरो। तो बात करते हैं साइन 3x प्लस साइन x, जिस जिसके इक्वेशन जानते हो वो रखो, साइन प्लस साइन तो 2 साइन, वही पुराना इक्वेशन, दोनों का सम 3x प्लस x बाय 2, 2 साइन कॉस 3x माइनस x बाय 2 इंटू साइन x तो पड़ा है, प्लस कॉस माइनस कॉस तो माइनस 2, कॉस माइनस कॉस तो माइनस हो जाएगा, तो आगे प्लस की जगह पे माइनस, तो माइनस टू साइन, वही मेथड 3x प्लस एक्स बाई टू, माइनस टू साइन साइन 3x माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स। क्लियर, चलो आगे की बात करो, तो 2 साइन 3x प्लस एक्स ले 4x बाई टू, दैट मीन्स 2x इंटू कॉस 3x माइनस 2x बाई टू, तो x इंटू साइन एक्स, माइनस टू साइन थ्री प्लस वन तो फोर बाई टू, तो टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स माइनस एक्स तो टू एक्स बाई टू, तो एक्स और इंटू कॉस है। देखो ये कॉस आगे पीछे है पर है दोनों में, सब कुछ सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैंसल होके जीरो, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, समझ में आ गया। ओके, हमारी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच, बिल्कुल इजी सम है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा, और कन्फ्यूजन वाला है नहीं। अच्छे से बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नंबर थ्री नंबर फोर पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें और भी समाज देखने हैं। चलो रफ करता हूँ, चलो नंबर थ्री में आपको एल एच एस दी हुई है, सम नंबर थ्री, ऐसा बोला है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई उसका होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई उसका होल स्क्वायर, और आंसर लाना है फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। क्या आंसर लाना है? 4 cos square x plus y by 2। चलो cos plus cos का इक्वेशन तो हम जानते हैं, होल स्क्वायर अलग चीज है, cos plus cos तो 2 cos दोनों का सम डिवाइड बाय 2 इंटू cos दोनों का माइनस डिवाइड बाय 2, होल स्क्वायर तो है ही, प्लस साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन तो 2 cos साइन, 2 cos दोनों का सम उसका होल स्क्वायर, टू साइन टू कॉस साइन दोनों का माइनस डिवाइड बाय टू, ये होल स्क्वायर अभी नहीं करना है, ऊपर ही पूरा होल स्क्वायर, कंप्लीट। चलो थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेनेशन कर दो तो पता चल जाए, होल स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर फोर, मल्टीप्लीकेशन है सबका स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, प्लस टू का स्क्वायर फोर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, ओके इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, कंप्लीट। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? एक तो फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, तो फोर कॉस स्क्वायर
एक्स प्लस वाई बाय टू, बचा क्या, तो कॉस स्क्वेर एक्स माइनस वाई बाय टू प्लस साइन स्क्वेर एक्स माइनस वाई बाय टू। अब सीधी बात है, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, वन, और थीटा की जगह पे दोनों एंगल सही है तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो बचा क्या, फोर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाई टू, ये तो पूरा वन ही हो जाएगा। क्या इक्वेशन लगाया, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये जो मिला वही तुम्हारा एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, आर एच एस। बैठ गया दिमाग में, बिल्कुल इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसा बेटा नंबर फोर, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगी, डिट टू कॉपी है, उसमें कॉस स्क्वेयर की जगह साइन स्क्वेयर आंसर लाना है, वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो एग्जांपल नंबर फोर होमवर्क में रहेगा। एग्जांपल नंबर फाइव, उसकी एलएचएस लिखते हैं, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स। ओके, आंसर लाना है फोर कॉस एक्स कॉस टू एक्स साइन टू एक्स, ऐसा। चलो एल एच एस है, पहले तो चार टर्म है तो दो दो की दो पेयर बनेगी, पर पेयर सही से बनाओ बेटा, कोई भी एक दूसरे की पेयर बना दोगे ओके तो फिर डिवाइडेशन में परफेक्टली आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमें कुछ, तो पहले सबसे बड़ा सेवन की पेयर वन के साथ तो एट होगा, और फाइव की पेयर थ्री के साथ तो एट हो जाएगा, तो फिर कुछ कॉमन निकल पाए, तो ऐसे पेयर बनाएंगे साइन सेवन एक्स प्लस साइन एक्स साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। चलो ये दोनों की पेयर, ये दोनों की पेयर, साइन प्लस साइन तो टू साइन दोनों का सम, सेवन एक्स प्लस एक्स बाई टू, टू साइन कॉस, तो कॉस दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सेवन एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय टू, प्लस साइन तो अगेन टू साइन फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू, टू साइन कॉस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स बाय टू, तो होगा क्या, टू साइन सेवन प्लस एक्स तो एट एक्स बाई टू फोर एक्स, कॉस सेवन एक्स माइनस एक्स तो सिक्स एक्स बाई टू तो थ्री एक्स, प्लस टू साइन अगेन फोर एक्स, एंड कॉस फाइव माइनस थ्री तो टू बाई टू दैट मीन्स एक्स। कुछ कॉमन निकलता है, टू साइन फोर एक्स टू साइन फोर एक्स, तो टू साइन फोर एक्स कॉमन, बचा क्या, कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो टू साइन फोर एक्स, कॉस प्लस कॉस का अगेन इक्वेशन, तो टू साइन दोनों का सम थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू टू एक्स, टू कॉस प्लस कॉस तो टू कॉस कॉस, कॉस प्लस कॉस तो टू कॉस कॉस, थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स, टू एक्स बाई टू तो एक्स, खत्म। चलो टू जा टू तो फोर, साइन फोर एक्स कॉस टू एक्स एंड कॉस एक्स, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। कुछ नया नहीं, जस्ट ओनली इक्वेशन साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, नया कुछ करना नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से समझ में आए उस तरह का है। ओके, अच्छे से टोटल हमने आज फाइव सम खत्म किए, ऑलरेडी फोर मैंने करवाए और एक आपको होमवर्क में दिया है, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाए ऐसा है। फाइव तक बेटा टोटली कंप्लीट कर दीजिए, कल उससे आगे बढ़ेंगे सम नंबर सिक्स से। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।